वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ CHSL एग्जामिनेशंस के लिए जो बेस्ट बुक है, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए, किस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जो इस पे पोस्ट है उसके बारे पे भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप में से कोई भी SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहा है और अगर वो सोचता है या वो CHSL का एग्ज़ाम नहीं भर रहा है, तो गाइज आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं आज आपको इस वीडियो पे एक्सप्लेन करूंगा। सी गाइज, CHSL का नोटिफिकेशन आया है और मोर देन 5000 प्लस वैकेंसीज है गाइज। जो वैकेंसी फुलफिल होने वाली है CHSL पे गाइज, वो आप लोगों की होने वाली है LDC पोस्ट के लिए। सी, मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी फिल होगी। एक होगा आप लोगों का सी LDC और GSA। LDC लोअर डिविजन क्लर्क और GSA क्या होता है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स। गाइज ये दोनों आप लोगों के 1900 ग्रेड पे के स्किल्स पे आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करोगे। बाकी जो सेकेंड पोस्ट है वो पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट, जो कि 2400 ग्रेड पे है। DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये भी 2400 का ग्रेड पे है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये भी आप लोगों का 2400 का ग्रेड पे स्केल पे है। क्लियर गाइज, अगर आप लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल के लिए अगर आप लोग वैकेंसी भरोगे, तो उसमें क्या होना चाहिए, आप लोगों को साइंस स्ट्रीम से 12th क्लास किया हुआ होना चाहिए और मैथ्स आप लोगों के पास मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर गाइज। अच्छा, अब इन सारे पोस्ट में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है या LDC का पोस्ट है, अगर आप लोगों को CAG पे मिल जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया में गाइस, तो इससे बढ़िया पोस्ट मैं बता रहा हूं आपको कोई नहीं है। क्यों है ऐसा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं क्यों है। सी, अगर आप लोग SSC CGL का एग्जाम देते हैं तो उस पे एक पोस्ट आती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, जो कि 4800 ग्रेड पे होती है। दूसरी पोस्ट जो CAG के लिए होती है वो होती है ऑडिटर की, जिस पे कि आप लोग 2800 ग्रेड पे जाते हैं। सी, 2800 ग्रेड पे में आप लोग जैसे ही 2 साल कंप्लीट करते हैं तो आप लोग एक एग्जाम लिखते हो SAS, और आप लोग सीधा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर मतलब 4800 ग्रेड पे में चले जाते हो। गाइज, अगर आप लोग LDC DEO हो और आप लोगों को 3 साल हो गया है CAG के डिपार्टमेंट पे, ठीक है, तो आप लोगों की भी एलिजिबिलिटी होती है और आप लोग भी एग्जाम लिख सकते हो। किसका, AAO का। गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इनफैक्ट अगर आप LDC और DEO भी लगते हो CAG पे, तो आप लोग डिप्टी डायरेक्टर मतलब IAS काडर तक पहुंच सकते हो यहां से भी काफी इजीली, ठीक है। तो इसे ये मत सोचना कि ये 10+2 का एग्जाम है। होता है ना, बहुत सारे लोगों पे मैंने देखा है, वो बोलते हैं यार मैं तो सिर्फ 4600 ग्रेड पे ही ऑप्ट करूंगा, ठीक है, उससे नीचे मैं बात नहीं करता। गाइज ऐसा नहीं है, यहां पर भी आप लोग को बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है गाइस। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप लोग ये एग्जाम नहीं लिख रहे हो गाइस, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गाइस इस एग्जाम को पक्का 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 लिखना। क्लियर, स्पेशली SSC CGL वाले, इनफैक्ट रेलवे वाले, हर कोई लिखना यार, लिखने में क्या जाता है एग्जाम, ठीक है। सिलेबस सेम है, मेन बात यह है कि सारे एग्जाम्स के, वन डे एग्जाम्स के, बैंकिंग और एक है आप लोगों का बैंकिंग का एग्जाम। बैंकिंग पे आप लोगों का SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लैरिकल, ये सारे आप, और आप लोगों के SBI PO, LIC AAO, UIIC, ये सारे एक तरफ चले जाते हैं, इनका पैटर्न एक है। बट अगर आप वन डे एग्जाम पे आ जाओ तो रेलवे के एग्जाम हो गए, CPO के एग्जाम हो गए, CGL के एग्जाम हो गए गाइज, इनके सारे के पैटर्न सेम है। तो अगर आप CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गाइज इस एग्जाम को आप लोगों ने पक्का से भरना है, ठीक है। और DEO का पोस्ट मिल जाए CAG में, तो मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं कि आप लोग डिप्टी डायरेक्टर तक के पोस्ट तक पहुंच सकते हो, IAS काडर तक आप लोग पहुंच सकते हो। इसीलिए गलती से भी ये मत सोचना कि आप लोगों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये 10+2 का एग्जाम है। क्लियर, ओके, चलो अब देखते हैं स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं आप लोगों को सी
बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास, बट इनफैक्ट जितना टाइम है वो सफिशियंट है अगर आप लोग स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, अगर आप लोग उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे और जो जो गाइडलाइंस मैं आप लोगों को दूंगा आप लोग उसके हिसाब से प्रिपरेशन करोगे तो आप लोग इजिली सेलेक्ट हो सकते हो। क्लियर गाइस? चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ अब प्रिपरेशन कहाँ से करनी है और कौन कौन से बुक आप लोगों ने फॉलो करना है। सी गाइस, आप लोगों के यहाँ पर तीन एग्जाम होते हैं। पहला एग्जाम होता है Tier 1 या CPT 1, ठीक है, जिसपे आप लोगों के चार सेक्शन होते हैं। ठीक है, CPT 1 पे की बात कर लेते हैं। CPT 1 गाइज, यहां पर आप लोगों के चार एग्जाम होंगे। वही होगा, एक मैथ्स का, एक इंग्लिश का, रीजनिंग का और एक होगा आप लोगों का GS का। ठीक है, सेम जो CGL Tier 1 का सिलेबस है ना गाइस, इस पे Tier 1 ही आता है, मतलब CBT 1 ही आता है। Tier 2 जो होता है आप लोगों का मेंस जो होता है इस पे वो नहीं होता है। ठीक है, तो मैथ्स पे आप लोगों के कितने आते हैं, 25 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 50 मार्क्स के होते, जो इंग्लिश में भी सेम 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग पे भी 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के रहते हैं। और सेम रहता है आप लोगों का GS पे, 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। सी गाइस, अब इस पे आप लोगों का पेपर 2 नहीं है तो इस एग्जाम पे भी GS ही आप लोगों का गेम चेंजर रहता है। अगर किसी की अच्छी कमांड है जनरल स्टडीज पे, मतलब जनरल नॉलेज ही बोल दूँ, किसी की अच्छी है तो उसके लिए इस एग्जाम को निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। क्लियर गाइस? बट आप लोग परेशान मत होइए, अगर अभी तक आप लोगों ने GS की प्रिपरेशन नहीं की है गाइस, तो मैं आज आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ, बुक्स बताने वाला हूँ जिन जिस बुक का अगर आप लोग यूज करोगे और अपनी प्रिपरेशन करोगे तो गाइस 100% लिख के दे रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। जनरल स्टडीज पे क्या करना है गाइस, आप लोगों ने दो बुक्स खरीदनी है यहां पर। एक आप लोगों ने खरीद लेना है मेडिजी पब्लिकेशन की जनरल स्टडीज। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है मेड इजी पब्लिकेशन। ठीक है, इसकी बुक आती है जनरल स्टडीज की। ठीक है, अमेजन पे अवेलेबल है, आप लोग वहां पर देख सकते हैं, मेड इजी पब्लिकेशन की जनरल स्टडीज। ठीक है गाइस, एक्चुअल में ये बुक किसके लिए लिखा गया होता है, ये बुक बेसिकली लिखा हुआ है, सी मेडिजी एक इंस्टीट्यूट है जो कि सुप्रीम है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के बच्चों के लिए। ठीक है, तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम आप लोगों की UPSC कंडक्ट कराती है और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज पे एक पेपर होता है उन लोगों का भी, वो होता है जनरल स्टडीज का। तो ये बुक जो है ये बुक काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है गाइस, एक प्रॉपर जैसे कहते हैं ना हैंड रिटन नोट्स, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है ये बुक आप लोगों के, कोई इस पे फालतू की चीजें नहीं लिखी गई है गाइस। तो आप लोगों ने इस बुक को फॉलो करना है और ट्रस्ट रखो आप लोग GS पे बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। ठीक है, मेड इजी पब्लिकेशन की। बट एक लूप होल है बुक पे क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है बुक पे, खाली साइंस सेक्शन में बायोलॉजी है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा गाइस, इसके लिए आप लोग बुक ले लेना लूसेंट की जनरल साइंस, लूसेंट की बुक ले लेना है आप लोग जनरल साइंस की। ठीक है, क्लियर गाइस? तो आप लोगों ने ये दो बुक फॉलो करनी है जनरल स्टडीज के लिए, मेडिजी पब्लिकेशन की जनरल स्टडीज और लूसेंट की जनरल साइंस। अगर आप लोग इन दो बुक्स को फिनिश कर लेते हो अपने CHSL एग्जाम के होने से पहले तो ट्रस्ट रखो गाइस आप लोग GS पे बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो। इसके साथ साथ आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ लेना, करंट अफेयर्स मैं रेलवे के लिए करा रहा हूँ, आप लोग उन्हीं करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हो क्योंकि करंट अफेयर्स तो सेम ही है। ठीक है,
क्लियर। तो इस तरह से आप लोग अपने जीएस के सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हो और आप लोग यहां पर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्लियर गाइस। अब आ जाते हैं दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम रहती है बच्चे लोगों को, वो रहती है इंग्लिश के सेक्शन पे। ठीक है, अब इंग्लिश के सेक्शन पे आप लोगों का एरर डिटेक्शन आता है, एंटोनिम सिनोनिम्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, प्रोवर्ब्स एंड प्रोवर्ब्स आते हैं आप लोगों के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। गाइस इसमें से जो मेन पढ़ने का चीज है गाइस, जिस पे आप लोगों को फोकस करना है, यहां आप लोगों ने दो चीज पढ़ना है। सी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एज सच कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जाम पे जाना। एक कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा, उसका लेवल इतना टफ नहीं होता है, एक नॉर्मल सा पैसेज होता है, सेवेंथ एट स्टैंडर्ड का ही वो पैसेज रहता है। आप लोग उसे एक बार पढ़ोगे, नीचे क्वेश्चन होंगे, आप लोग उसे मार्क कर दोगे। ओके, प्रोवर्ब्स भी एक तरीके से बहुत इजी रहते हैं। इनफैक्ट प्रोवर्ब्स को अगर आप पढ़ोगे और ढंग से नीचे ऑप्शन देखोगे तो आप लोगों को पता चल ही जाता है, लगभग लगभग पता चल ही जाता है, आउट ऑफ द ब्लू कुछ नहीं होता है। क्लियर, बट स्टिल आप लोग जो इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स है वो लोग पढ़ लेना। ओके, अब यहां पर जो है आप लोगों ने इंग्लिश पे दो चीज पे फोकस करना है। एक तो आप लोगों ने सी, अब वोकैबलरी भी यहां पर बोलू कितनी इंपॉर्टेंट है, वोकैबलरी आप लोगों ने ज्यादा वोकैबलरी के लिए फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सीजीएल के एग्जाम पे जो होता है वो मेंस होता है, और मेंस पे इंग्लिश पे काफी एंटोनिम सिनोनिम्स आ जाते हैं, इसलिए वहां पर इंपॉर्टेंट है। बट यहां तो मुझे लगता है कि 25 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन ही होंगे जहां पर कि आप लोगों को एंटोनिम सिनोनिम्स या वोकैबुलरी यूज होगा। गाइस तो आप लोग क्या करना, आप लोग सिंपल सी मैं आप लोगों को बात बता देता हूं, वर्ड पावर मेड इजी। ठीक है, एक बुक है आप लोगों की, वर्ड पावर मेड इजी। अगर आप लोग उस बुक को देखोगे तो उस बुक के पीछे लगभग लगभग 800 वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, या बुक ले लो वर्ड स्मार्ट, वर्ड स्मार्ट ले लो, इसका पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को गूगल में इजीली अवेलेबल है। गूगल पे लिखोगे ना वर्ड स्मार्ट पीडीएफ तो आप लोगों को मिल जाता है। क्या लिखना है? वर्ड स्मार्ट। ठीक है, वर्ड स्मार्ट, क्लियर। ठीक है, इस पे दो पार्ट है, इसके पार्ट वन एंड पार्ट टू। क्लियर, तो आप लोगों ने खाली पार्ट वन को पढ़ना है, पार्ट टू एसएससी सीजीएल वाले पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर आप लोगों ने वर्ड स्मार्ट के पार्ट वन को पढ़ना है, पार्ट टू फॉलो नहीं करना है। क्लियर, दूसरा चीज क्या है गाइज, आप लोगों ने अपने ग्रामर पे वर्कआउट करना है और अपने ग्रामर को स्ट्रांग बनाना है। क्लियर, ओके। अब ग्रामर के प्रिपरेशन कैसे करोगे गाइस? ग्रामर के लिए एक तो आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर्स देख लेना, इंग्लिश ग्रामर करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी टेंसेस, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, एडवर्ब्स, मैंने सब चीज कवर कर रखा है गाइस। अगर आप लोग उन वीडियोस को देख लोगे, ट्रस्ट करो, इंग्लिश ग्रामर आप लोगों की इतनी अच्छी हो जाने वाली है कि जो सीएचएसएल या इनफैक्ट एसएससी सीजीएल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जो भी इंग्लिश का ग्रामर आएगा, आप लोगों को उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डिफिकल्टीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी गाइस? क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को एकदम ग्रास रूट से पढ़ाया हुआ है, मैंने आप लोगों को वो ऑथेंटिक मेथड बताए हैं जिनका यूज करके आप लोग एग्जाम पे करेक्ट आंसर मार सकते हो। कोई रटाफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं है, एक बार वीडियोस को देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ग्रामर की प्रिपरेशन आप लोग कैसे करोगे? ग्रामर आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर से प्रिपेयर कर लोगे। और क्या करोगे गाइज? ग्रामर के लिए एक बुक मैं आप लोगों को रिकमेंड कर देता हूं प्रैक्टिस के लिए, मिरर ऑफ कॉमन एरर। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर। ठीक है गाइज, आप लोग इस बुक को खरीद लेना और इस बुक से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो वोकैबुलरी यहां से हो जाएगी, ग्रामर यहां से हो जाएगी। अब एक और स्पेशल चीज करना है गाइज आप लोगों ने, सी आप लोगों ने डेली इंग्लिश का एक पेपर सॉल्व करना है। क्लियर, डेली आज से ही स्टार्ट कर देना है और डेली इंग्लिश का एक पेपर सॉल्व करना है। अब ये प्रॉब्लम आएगी कि पेपर कौन सा सॉल्व करोगे गाइस? सी, किरण पब्लिकेशन की बुक उठा लेना। ठीक है, एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम्स के लिए जो आती है, ठीक है, मेंस वाली नहीं, एसएससी सीजीएल के प्री एग्जाम्स के मॉडल पेपर्स आप लोग ढूंढोगे ना तो इंटरनेट पे भी आप लोगों को बहुत मिल जाएगा। सी, पेपर की कमी नहीं है, यहां पर आप लोग ढूंढना चाहोगे तो इंग्लिश एसएससी सीजीएल के आप लोगों को हजारों पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, हजारों पेपर की जरूरत भी नहीं है, आप लोगों ने क्या करना है, डेली एक इंग्लिश का मॉक पेपर सॉल्व करना है, डेली।
ठीक है, डेली एक पेपर सॉल्व करना है, और उस पे जो जो आप लोगों के क्या आएंगे, ग्रामर्स आते जाएंगे ना गाइस, आप लोग उन ग्रामर तो आप लोग पढ़ोगे, जो वोकैबलरी आएगी ना उसे भी याद करते जाना, और जो आप लोगों के प्रोवर्ब्स आएंगे उसे भी लिख के याद करते रहना। तो इससे आप लोगों का प्रोवर्ब वाला सेक्शन क्लियर हो जाएगा, ग्रामर की आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी, वोकैबलरी आपकी बिल्डअप हो जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों को समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो डेली एक अगर आप लोग पेपर करते हो तो गाइस ट्रस्ट मी, आप लोगों को इतना फायदा देगा, इतना फायदा देगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। इनफैक्ट एक एवरेज स्टूडेंट, एवरेज क्या बोलूं, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, तो 25 में से आप लोग 20 प्लस ही सही करके आओगे। बट बशर्ते एक कंडीशन है कि डेली आप लोगों ने आज से ही एक इंग्लिश का मॉक प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए। आंसर दिखने लग जाते हैं गाइस अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, ठीक है, पता चलने लग जाता है कि यही आंसर है। पता नहीं वो कैसे बिल्ट होता है, बट बिल्ट होने लग जाता है आप लोगों के अंदर। ओके गाइस, रीजनिंग की बात करते हैं अब, रीजनिंग कैसे तैयारी करनी है। ठीक है गाइस, आरआरबी के एग्जाम्स आ रखे हैं, और आरआरबी एग्जाम्स के लिए, रेलवे वाले के लिए मैंने रीजनिंग की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग उस रीजनिंग के सीरीज को फॉलो करो, और ट्रस्ट रखो आप लोग रीजनिंग पे 25 में से 25 स्कोर करोगे, 100% करोगे। क्लियर, आप लोगों ने क्या फॉलो करना है, जो मैं अभी आरआरबी एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग, ठीक है, क्योंकि सिलेबस सेम है, ठीक है, उस पे भी कोडिंग डिकोडिंग आना है, इस पे भी कोडिंग डिकोडिंग आना है, उस पे भी ब्लड रिलेशन आना है, इस पे भी ब्लड रिलेशन, उस पे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सॉरी उस पे भी क्या डायरेक्शन के क्वेश्चन आने हैं, यहां पर भी डायरेक्शन के क्वेश्चन आने हैं। तो आप लोगों का क्या है गाइज, आप लोगों का सिलेबस तो सेम है दोनों जगह, तो जो मैं आरआरबी के लिए पढ़ा रहा हूँ ये रीजनिंग, आप लोग उन लेक्चर्स को फॉलो करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो गाइडलाइन रीजनिंग के लिए मैं उन लोगों को देने वाला हूं गाइस, आप लोगों ने भी सेम गाइडलाइन को फॉलो करना है अपने सीएचएसएल एग्जाम के लिए, और उसके बाद देखना आप लोग कि आप लोग रीजनिंग पे कितने आराम से, बहुत ही अच्छा, मैं तो बोलता हूँ रीजनिंग में 25 में से 25 स्कोर हो जाएगा, हो जाता है। और एक और चीज करनी है आप लोगों ने गाइस, सी जो ये वाले आप लोगों के रीजनिंग है ना, रीजनिंग मैं बहुत जल्दी खत्म करा दूंगा, ठीक है, आप लोग वो खत्म कर लेना, उसके बाद जब खत्म हो जाएगा या खत्म नहीं भी हुआ तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना है गाइस, रीजनिंग का भी एक सेट डेली लगाना है आप लोगों ने, डेली गाइस, प्रैक्टिस से ही आप लोगों का सिलेक्शन होता है। मैं तो ये बात बोलते बोलते थक गया हूँ, होपफुली जो इस बात को समझ गया होगा वो सिलेक्शन ले भी लेगा इसी साल, और जो नहीं समझाया गाइज कोई नहीं, आप लोग अगले साल समझ जाओगे फिर सिलेक्शन ले लोगे। क्लियर, मेरा तो मोटो है आप लोगों को समझाना, आप लोगों को बेस्ट स्ट्रेटेजी देना। सी क्या होता है ना, डेली रीजनिंग के वीडियोस देखोगे देखोगे देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना जब तक खुद से पेन नहीं उठाओगे, खुद से कॉपीज पे जो पेन है ना उनके इंक्स इंक नहीं घिसोगे, इंक खत्म नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, मैं सीधा बात बता देता हूँ। खाली वीडियोस देखने से सिलेक्शन हो जाता तो बात ही अलग थी गाइस, आप लोगों को पेन उठाना पड़ेगा, आप लोगों को बुक उठानी पड़ेगी। अब बुक कौन सा उठाओगे गाइस, यहाँ पर एसएससी सीजीएल टायर वन की जो बुक्स आती है, मॉक्स आती है गाइस, उससे अच्छा रिसोर्स कुछ नहीं है। जो क्वेश्चंस एग्जाम पे पहले आ चुके हैं सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस दोबारा आने हैं गाइस, तो आप लोगों ने उसी को फॉलो करना है। एक तो लेक्चर्स देखने हैं रीजनिंग पे, जो लेक्चर्स मैं बनाता जाऊंगा, बाकी मैं आप लोगों को गाइडलाइन देता रहूंगा, बाकी डेली आप लोगों ने एसएससी सी, अगर ऐसा होता है कि सपोज करो कि आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पाते इनिशियली, तो आप लोग क्या करना गाइस, चैप्टर वाइज भी बुक आती है, ठीक है, चैप्टर वाइज रीजनिंग की बुक आती है एसएससी सीजीएल की, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज रीजनिंग सॉल्यूशंस ऐसे करके किरण पब्लिकेशंस की बुक आती है, आप लोग वो बुक ले लेना। जैसे सपोज करो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया आप लोगों को डायरेक्शन, तो आप लोग क्या करना कि जाके डायरेक्शंस के क्वेश्चन जो भी चैप्टर वाइज बुक होंगे उससे पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मेथड आप लोगों को सूटेबल रहेगा, या तो जैसे मॉक है, मॉक उठा लिया एक, उस पर देखा डायरेक्शन के क्वेश्चन कहाँ है, उसे सॉल्व कर लिया, उस पर गोला लगा दिया कि अगले बार डायरेक्शन नहीं करना, ऐसे करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे उसी हिसाब से आप लोग कर लेना। क्लियर गाइस, ओके,
नेक्स्ट जो सेक्शन है आप लोगों का वो है आप लोगों का मैथ्स। मैथ्स पे आप लोगों के सी 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं 50 मार्क्स के। गाइस मैथ्स के तो मैंने सारे लेक्चर्स बना के आप लोगों के लिए थाली पे परोस के रखा हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट चम्मच भी लगा रखा है, आप लोगों ने चम्मच से उठाना है और मुंह तक डालना है। इसका मतलब आप लोगों ने वीडियो को प्ले करना है और दिमाग तक डालना है। बट अगर आप लोग इतना भी करने के लिए रेडी नहीं हो तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। गाइज मैथ्स के सारे लेक्चर सिस्टमैटिक वे पे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम से लेकर हायर मैथमेटिक्स तक के सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं। गाइज आप लोग उन वीडियोस को देखो, वो वीडियोस आप लोगों के लिए मोर देन सफिशियंट है। कोई पेड कोर्सेज, कोई ट्यूशन, कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। गाइज एक बार जाके वीडियोस देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार पेड कोर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है या ट्यूशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप घर बैठो अपने कंफर्ट के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लियर। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स देखना है। सपोज आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज का वीडियो लेक्चर देख लिया आप लोगों ने। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के ऊपर मैंने 12 वीडियोस बनाए हैं। एलजेब्रा के ऊपर मैंने 13 वीडियोस बनाए हैं। ज्योमेट्री के ऊपर मैंने 21 वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। तो आप लोग इन सारे वीडियोस को देख लेना जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं। और साथ ही साथ क्या करना, एसएससी सीजीएल के चैप्टर वाइज बुक उठा लेना गाइस। जैसा रीजनिंग के लिए बताया ना मैंने, सेम किरण पब्लिकेशन की एसएससी सीजीएल की चैप्टर वाइज बुक उठा लेना और उन बुक्स पे आए हुए क्वेश्चंस को दोनों लेवल के, ठीक है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मतलब टायर 1 एंड टायर 2 दोनों के सॉल्व करने हैं। अब यहां पर आप लोगों ने 2097 से लेकर आप लोगों को 2017 तक के पेपर्स अवेलेबल है गाइस। आप लोग उन पेपर को सॉल्व कर लेना, पहले वीडियो लेक्चर देख लेना, उसके बाद उन चैप्टर्स पे जाके जो क्वेश्चंस आ रखे होंगे उन्हें सॉल्व कर लेना। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोगों का मैथ्स एकदम सिस्टमैटिकली वे पे क्लियर हो जाएगा और आप लोग मैथ्स के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स पे जो भी पूछे जाएंगे गाइस आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हो, क्लियर गाइस। ओके ये तो हुआ आप लोगों का सीबीटी 1 के बारे में। सीबीटी 1 आप लोगों का हो जाता है तो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने के बाद एक आप लोगों का स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट पे डेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होते हैं गाइस। वो सब आप लोग बाद में भी डेवलप कर सकते हो, कोई एज सच परेशानी नहीं होगी, ठीक है। टाइपिंग सीखने में आप लोगों को एक महीना ही का टाइम, 1.5 महीने पे अच्छी टाइपिंग स्पीड बन जाती है। तो अभी जो आप लोगों का फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए खाली सीबीटी 1 पे। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स की भी अभी कोई टेंशन ना लो, क्योंकि इस बार डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए भी मैं आप लोगों को 2-3 लेक्चर्स बना दूंगा कि कैसे आप लोगों ने लिखना होता है एग्जाम्स, क्या क्या पॉइंट्स उस पर डालने होते हैं, वो सारे भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्लियर गाइस। तो मोटा मोटा आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रेटेजी बता दी है, अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो CHSL 10+2 एग्जामिनेशन को क्लियर करने पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और गाइस एग्जाम को पक्का से भर लेना। सी मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लो। सी अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह भी ज्वाइन करते हो तो आपके पास बहुत ऑप्शन होता है, एक ऑडिटर, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, दोनों, और एक ग्रेजुएट लेवल से डबल ए हो पहुंचा, ठीक है, उसने भी तो ग्रेजुएशन पे 3 साल लगाए। आप 12th पास किया है, आप लोग सीधा डेटा एंट्री ऑपरेटर बने, आप भी 3 साल बाद सीधा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है गवर्नमेंट जॉब में, बस ये है कि आप लोगों को एंटर होना है एक बार। तो यहां से एंटर होना आसान है गाइज, अगर आप लोग गो की अच्छी प्रिपरेशन हो रखी है तो यहां से आप लोग बहुत ही आराम से एंटर हो सकते हो गवर्नमेंट जॉब पे, क्लियर। होपफुली आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी गाइज। अगर आप लोगों को स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों को खाली ऑथेंटिक वीडियोस देता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, एक दिन में 500 वीडियो अपलोड नहीं करता हूं, जो वीडियोस अपलोड हो गए हैं गाइज वही सफिशियंट है। दिन के आप लोगों को 1-2 वीडियोस मिल जाते हैं जो कि मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। 500 वीडियो अपलोड करके कोई फायदा नहीं है, 50 वीडियो तो आप लोग एक दिन पे देख भी नहीं सकते हो, क्लियर गाइज। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इस एग्जाम को पक्का से भरोगे और इस एग्जाम को क्लियर भी करोगे, क्लियर। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बेल आइकन जो आता है उसे क्लिक पक्का कर देना ताकि चैनल पे जब भी कोई अपडेट आए तो आप लोगों को उसके नोटिफिकेशन मिल जाए, क्लियर। ओके थैंक यू।